बीते साल मीटू अभियान के जरिए महिलाओं ने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया। कास्टिंग काउच पर खुलासा कर सभी ने काफी चौंकाया। अब एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी अपने साथ हुई एक घटना को शेयर किया है। जी हाँ, एक इंटरव्यू में ऋचा चड्ढा ने कास्टिंग काउच को लेकर बात की, कई बड़े खुलासे किए। ऋचा ने बताया कि कई बार उन्हें लोगों के इशारे समझ नहीं आए। वो बहुत यंग थी और उस समय उनकी समझ भी थोड़ी कम थी, जैसा कि उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि हमें एक साथ डिनर करना चाहिए। ऋचा ने आगे ये भी कहा कि उस वक्त उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया। उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो पहले ही डिनर कर चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी उस आदमी ने उन्हें टच करते हुए कहा कि हमें डिनर करना चाहिए। तब मुझे समझ आया कि वो क्या कहना चाहता है। ऋचा आगे ये भी कहती हैं कि ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई उसके बाद भी बतौर एक्टर ये फिर से हुआ। फिलहाल मैंने इससे पार पा लिया है। मैं ये बात जानती हूँ कि मैंने वो प्रोजेक्ट खो दिया, लेकिन वो मेरे लिए मायने बिल्कुल भी नहीं रखता। ऋचा ने एक और बड़ा खुलासा किया। ऋचा ने कहा कि एक बार उन्हें ऋतिक रोशन की माँ बनने का रोल ऑफर किया गया था। इस पर वो काफी ज्यादा नाराज हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने उस कास्टिंग डायरेक्टर को दोबारा कभी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।